अब हमारी सब्जी बनने जा रही है शाही पनीर। फॉर दिस वी नीड, तो अब हमने इसके लिए कुछ चॉप अनियन एंड टमाटोज ले लिए हैं, वो हमें फ्राई करने हैं पहले। अब आप इसमें देख सकते हैं हमने इसमें कुछ ग्रीन चिली भी ऐड कर दिए, इसे भी हम फ्राई करेंगे। देन जिंजर भी कुछ चॉप किया हमने, अदरक वो भी हम फ्राई करेंगे। और अब हमने इसमें कुछ लौंग लिया है, वो भी हम फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ी काली मिर्च भी ऐड की है। अब ये सभी हमें पहले फ्राई करना है रिफाइंड में। और ये सब हमने फ्राई किया है इसमें। अब ये फ्राई हो चुकी है, अब इसे थोड़ा ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसे ग्राइंड करना है मिक्सर में। अब ये सब कुछ हमने ग्राइंड कर लिया है, साथ में पनीर के क्यूब्स कट कर लिए। और अब हमने इस ऑयल में काली बड़ी वाली इलायची डाल दी है। ये जो ग्राइंड किया था हमने टमाटो अनियन ये सब भी इसमें ऐड कर दिया है। और अभी जो ग्राइंड किया है आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है, और जब ये मिक्सचर ऑयल छोड़ने लग जाए तब पता लग जाता है कि बन चुकी है आपकी सब्जी। जब ये तेल छोड़ने लग जाए इसका मतलब ग्रेवी पक चुकी है, तब तक इसे फ्राई करना है। अब आपको इसमें टमाटो केचप ऐड करना है। इतना टमाटो केचप ऐड कर लिए, इसके बाद फिर से इसे स्टर करना है। दो चम्मच टमाटो केचप है इसमें। अब आपको इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करना है। या मलाई तो घर की मलाई ऐड कर लो, और अमूल फ्रेश क्रीम अगर नहीं है तो घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं आप। अब आपको इसमें शाही पनीर मसाला ऐड करना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तब आपको इसमें कुछ नमक या मिर्च नहीं डालना, सिर्फ शाही पनीर मसाला डालना है। पनीर डालना है इसमें बस इतना, आपको शाही पनीर मसाला इसमें डालना है 2-3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच। अब आप इसको 2 कप दूध भी ऐड करना है आपको इसमें। ये दूध डाल दिया अब हमने इसमें, इसमें नमक नहीं डालना नहीं तो दूध फट जाएगा। जो शाही पनीर मसाला है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिर्च नमक, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं है, और अलग से नमक डालना भी नहीं चाहिए वरना दूध फट जाएगा मार्केट जैसा। कलर आ गया अब ये शाही पनीर का, टेस्टी शाही पनीर। अब इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करने हैं। और ये शाही पनीर एकदम मार्केट जैसी शाही पनीर है, बहुत ही टेस्टी। इसे बस थोड़ी देर के लिए और फ्राई करना है। इसमें नमक मिर्च कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी भी नहीं डालनी, शाही पनीर मसाला ही सब होता है उसमें सब कुछ। और आपकी बहुत ही टेस्टी शाही पनीर सब्जी तैयार है।